दोस्तों तो फाइनली मेंस ओपन की भी प्री जजिंग हो चुकी है खत्म एंड जजेस ने इतनी बार पोजिंग करवाई है एथलीट से, मतलब जजेस का एक तरीके से मानना ये है कि अगर आपको चैंपियन बनना है देन पोज लाइक ए चैंपियन। सबसे पहले इंडिविजुअल पोजिंग की एथलीट्स ने, उसके बाद कॉल आउट में पोजिंग की और उसके बाद हार्डी, डेरेक और सैमसन के बीच में उन्होंने दो बार कंपेरिजन पोजिंग करवाई और फिर भी उन्होंने काफी इंटेंसिटी के साथ पोजिंग कराया था, कोई भी एथलीट यहाँ पर एग्जॉस्टेड फील नहीं कर रहा था। तो चलिए सीधा हम बात करते हैं फर्स्ट कॉल आउट की। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल आउट में जजेस लेते हैं हार्डी चुपन, डेरिक लंसफर्ड, सैमसन दोदा, एंड्रू जैक, ब्रैंडन करी एंड हंटर लबरडा। डेफिनेटली गाइज वन नेम इज मिसिंग, अगर निक वॉकर होते देन निक वॉकर डेफिनेटली हो गए इस कंपैरिजन में। बट गाइज चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल आउट की और फिजिक की। तो गाइज डायरेक्टली मैं आप लोगों को कह देता हूँ कि टॉप थ्री होने वाला है हार्डी चुपन, डेरेक एंड सैमसन दोदा। बट यहाँ पर कन्फ्यूजन अभी ये है कि सेकंड पोजिशन पर वो डेरेक को रखेंगे या फिर सैमसन को रखेंगे, बिकॉज काफ़ी बार उन्होंने स्विच करवाया और जिस तरीके से गाइज फ्रंट डबल बाइसेप हिट करते हैं आप दोनों बॉडी बिल्डर्स को देखोगे ही नहीं, आप देखोगे सैमसन दोदा को। बिकॉज ड्यूरिंग द पोजिंग वो जैसे धीरे से अपने लैट्स को बाहर निकालते थे, मतलब उनको शो करना है कि मैंने मेरे बैक पे काम किया है, जैसे जजेस ने मेरे फीडबैक दिया मैंने मेरे बैक पे काम किया और मैंने मेरे लैट्स को भी ग्रो करा है। एट द सेम टाइम हार्डी चुपन अपने ऑल टाइम बेस्ट पे थे बट मैं लास्ट टाइम उनको और ज़्यादा फुलर कहूँगा, बट इस साल वो उतने ज़्यादा फुलर नहीं थे और उनके चेस्ट एंड आर्म्स में मैं थोड़ा सा डिक्रीमेंट ज़रूर कहूँगा, बिकॉज चेस्ट उनकी उतनी फुलर नहीं लग रही थी एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर और आर्म्स में थोड़ा सा साइज रिड्यूस डेफिनेटली लग रहा है मुझे। बट गाइज सैमसन ने इम्प्रेस किया इस फिजिक से, जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कंडीशन वाइज मैं कितना सुपीरियर हूँ आप इस वीकेंड में देखने वाले हो। और जजेस ने क्या किया था, सबसे पहले गाइज हार्डी चुपन को बीच में रखा था कॉल आउट में, उसके बाद जब कंपैरिजन करा तब भी हार्डी चुपन को ही बीच में रखा था, उसके बाद डेरिक को रखा और उसके बाद सैमसन को रखा। तो जब डेरिक को साइड में रखा था डेरिक का मुंह उतरा उतरा सा लग रहा था, चेहरा उनका बिल्कुल डिसअपॉइंट लग रहा था, बिकॉज सारे लोगों के नज़रों पर डेरिक लंसफर्ड थे कि डेरिक लंसफर्ड इस बार जीत सकते हैं। बट बैक डबल बाइसेप का जो शॉट था गाइज पूरे लाइनअप में, जैसे मैंने कहा था पास्ट में भी कि डेरिक लंसफर्ड डोमिनेट करेंगे, यस गाइज ही डोमिनेटेड ऑल। आप बैक डबल बाइसेप वाली जस्ट पोज देख सकते हो कितनी कंप्लीट आती है और कितना अच्छा उनके बैक का स्ट्रक्चर आता है, वी टेप आता है ग्लूट्स में, वो फाइबर एंड शार्पनेस के साथ फाइबर्स विजिबल होते हैं जो कि आपको हार्डी चुपन या फिर सैमसन दोदा के फिजिक में नहीं नोटिस होंगे। बट वही अगर हम आगे से फिजिक की बात करेंगे देन फ्रंट से डोमिनेट करें सैमसन दोदा और हार्डी चुपन, बट काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इस साल भी हार्डी चुपन टाइटल ले जाएंगे। जैसे लोगों ने कहा था कि हार्डी चुपन दो तीन बार रिपीट करेंगे, डेफिनेटली मुझे भी यही लगता है इस साल वो जीतेंगे। बट सेकंड पोजीशन पे क्या पता अर्नोल्ड क्लासिक के जैसे जेडेस का माइंडसेट बदले, जेडेस का कुछ मन बदले और वो सैमसन दोदा को सेकंड प्लेस दे दे, बट फर्स्ट प्लेस इज रिजर्व फॉर हार्डी चुपन द पर्शियन वोल्फ। तो दोस्तों ये फर्स्ट कॉल आउट था, फर्स्ट कॉल आउट की ये फिजिक थी, ओवरऑल पोजेस आप देख सकते हो, कंपेरिजन भी देख सकते हो हार्डी चुपन और सैमसन दोदा के बीच में। और गाइस एक खुशी वाली बात ये है कि सारे बॉडी बिल्डर चैंपियन वाली पोजिंग कर रहे थे। हार्डी चुपन ने जब स्टेज पे स्टेप करा था उन्होंने शो करा कि वो रेनिंग एंड डिफेंडिंग चैंपियन है, सैमसन दोदा ने शो करा कि वो अर्नोल्ड क्लासिक के चैंपियन है, एंड डेरिक ने कहा था कि गाइस मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। सारे एथलीट्स के पास एक पॉजिटिव माइंडसेट था, पॉजिटिव एक पोजिंग करी थी और बिल्कुल सैटिस्फाइंग फर्स्ट कॉल आउट था, सैटिस्फाइंग मेन्स ओपन डिवीजन थी। हम नहीं कह सकते ऐसा कि कोई भी बॉडी बिल्डर उतना ज़्यादा ऑफ आया था। डेफिनेटली ब्रैंडन के साथ इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी उन्होंने एक अच्छी फिजिक शो करी थी, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि सबसे शार्पेस्ट फिजिक थी बट एक अच्छी फिजिक लाने में वो कामयाब हुए थे और टॉप फाइव में जगह बना ही देंगे। सो गाइस मेरा प्रेडिक्शन अभी ये है कि फर्स्ट नंबर पर रखेंगे वो हार्डी चुपन, सेकंड नंबर पे रखेंगे वो सैमसन दोदा, थर्ड नंबर पे डेरिक को रखेंगे, फोर्थ नंबर पे वो एंड्रू जैक को रख सकते हैं एंड फिफ्थ नंबर पर जाएंगे ब्रैंडन करी। सो गाइज ये मेरा अनुमान है, आप लोगों को क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो जैसे ही फाइनल्स होते हैं फाइनल्स के भी रिजल्ट्स मिलेंगे और मेरे अदर वीडियोज़ भी आप चेक कर सकते हो, सारे अपडेट्स मैंने कवर करे 212 के भी। सो गाइज कीप सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच, सी यू सून।